शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए ईडब्ल्यू नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में एमआईएम और पहली बार चुनावी अखाड़े में उतरी वंचित बहुजन आघाड़ी ने लाजवाब पारी खेलते हुए हैदराबाद से ओवैसी तो औरंगाबाद से इम्तियाज जलील के जीतने की खुशी में खारगर स्टेशन परिसर में एमआईएम नेता हाजी शाहनवाज खान ने मिठाई और पानी बांटकर जश्न मनाया, जहां इस अवसर पर भारी रायगढ़ जिलाध्यक्ष दीपक मोरे, एमआईएम की शहनाज खान भी उपस्थित रही। इस अवसर पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए हाजी शाहनवाज खान और दीपक मोरे ने कहा कि अब लक्ष्य महाराष्ट्र विधानसभा होगा। अत्यंत आनंद वाटतो की गेल्या 30-35 वर्षांमध्ये महाराष्ट्राने एकदाही मुसलमान लोकसभेत पाठवला नाही, आणि हे कुठेतरी मनामध्ये खंत बाळासाहेब आंबेडकरांच्या होती, आणि सातत्याने आम्ही प्रत्येक सभेमध्ये सांगत आलो होतो की इथल्या काँग्रेसने आतापर्यंत महाराष्ट्रातल्या मुस्लिमांना खऱ्या अर्थाने न्याय दिला नाही, आणि तो न्याय फक्त वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून बाळासाहेब आंबेडकरांनी दिला। इंताबजनी एक चांगला कार्यसम्राट आमदार आहे, आणि अशा माणसाला लोकसभेत गेल्यानंतर संविधान वाचवण्यासाठी संविधानाच्या बाजूने बोलण्यासाठी असणारा हक्काचा अधिकार असा खासदार पाहिजे होता। असुद्दीन ओवैसी साहेब सातत्याने लोकसभेमध्ये मांडणी करतात, पण त्यांना जोड महाराष्ट्रातून सुद्धा पाहिजे होता। मला वाटतं महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मुस्लिम बांधवांमध्ये फार एक चांगला निरोप गेला आहे की पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आतापर्यंत काँग्रेस राष्ट्रवादीला जे जमलं नाही किंवा इतर संघटनेला जे जमलं नाही ते वंचित बहुजन आघाड्यामधून बाळासाहेबांच्या माध्यमातून पहिल्यांदा मुस्लिम 35 वर्षात निवडून जातो, याच्यापेक्षा वेगळा आनंद कधीच कुठे झालेला नाही। पूरे अगर महाराष्ट्र में देखा जाए तो वंचित बहुजन आघाड़ी को जो वोट मिले है, जो वोट का परसेंटेज है वो काफ़ी है, और उसके अगर तुलना किया जाए तो कांग्रेस से तुलना किया जाए तो हम लोग काफ़ी बराबरी में हैं, और जो और कांग्रेस को भी हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा बड़ा फटका हुआ था। बड़ा सब शुरू में ही इलेक्शन में कह रहे थे कि साथ में आके मिल के इलेक्शन लड़े, तो आज महाराष्ट्र की जो रिजल्ट होता कुछ मुख्तलिफ होता, लेकिन कांग्रेस ने उस वक्त हमारे बात नहीं मानी और आज उनको 10-12 सीटों का उनको भोगना पड़ा। और माशाल्लाह हमारी वंचित बहुजन आघाड़ी को काफ़ी अच्छे वोट्स मिले हैं। आने वाले कल के अंदर विधानसभा के इलेक्शन में हमारा टारगेट जो है एम है वो विधानसभा इलेक्शन है, और विधानसभा इलेक्शन में हम इसकी भरपाई कर देंगे। जो हमारे बाला साहब जो रह गए हमारे साथ में तो उसका हमको थोड़ा दुख और अफसोस है, लेकिन उसकी भरपाई इंशाल्लाह हम बहुत मजबूत से और ताकत लगा के विधानसभा के अंदर हम अपनी ताकत दिखाएं, क्योंकि पहले तो हमारे संसद के अंदर जो दिल्ली में हमारे संसद में हमारा एक ही शेर ही धाड़ता था, लेकिन आज उनको साथ देने के लिए हमारे महाराष्ट्र का एक शेर इम्तियाज जलील साहब जाके धाड़ेंगे, और ये दोनों शेर जब संसद में जाके धाड़ेंगे और ऐसे ऐसे सवाल जो संसद में वो उठाएंगे जिससे हम मुसलमानों को हम वंचितों को फ़ायदा होगा, तो इसके लिए आज ये प्रोग्राम रखा गया था जिसमें मिठाई वाटत का पनवेल तालुका में खारघर के अंदर मिठाई वाटत का और पानी वाटत का प्रोग्राम रखा गया था। इस किलर ये मैंने खुद ये वर्ड सबसे पहला मैंने ही यूज़ किया है। इम्तियाज जलील साहब का रिजल्ट आने के 2 घंटा पहले ही मैंने डिक्लेयर कर दिया था फेसबुक और सब सोशल मीडिया पे कि इम्तियाज जलील साहब जीत रहे, और ये मैंने इनको लिखा दिया था कि खेरे साहब पिछले कई सालों से जब मेरे घर से 4 टर्म्स उन्होंने पूरा किए हुए थे, तो ये बहुत बड़ी उनको हराना, तो मैंने उनको लकब दिया है कि जॉइंट किलर। ब्यूरो इनपुट, ईडब्ल्यू नेटवर्क।